परम पूज्य आचार्य श्री धीरज भाई जी के चैनल में आपका स्वागत है। भगवान ने गीधराज जटायु को गोद में लिया। भगवान ने कहा जटायु से कि वर मांग लो, मैं आपको आज अभय कर दूंगा। गीधराज ने कहा इतना सुंदर अवसर मेरे जीवन का नहीं होगा। प्रभु आपकी गोद में अगर किसी का प्राण निकल जाए ना, तो आपका धाम मिल जाता है। जटायु जी की बात पर भगवान ने सिर पर हाथ फेरा है और जटायु जी आज भगवान की गोद में ही अपनी जीवन लीला समाप्त की है। भगवान अपने पिता दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया में नहीं जा पाए, दशरथ को मुखाग्नि नहीं दे पाए। जानते हैं क्यों? राम दशरथ के आंगन में पले बढ़े जरूर, लेकिन राम जी जो अंतिम क्रिया करने के अधिकारी थे वो जटायु के थे। ऐसी चर्चा है कि भगवान राम जटायु के दत्तक पुत्र थे। पुत्र ही तो अग्नि संस्कार करता है ना पिता का। आइए शंका का भी समाधान कर दें, फिर कथा को सूक्ष्म ले लेंगे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा, महाराज दशरथ परेशान हो गए। गुरु से पूछे, प्रभु क्या बात है, अयोध्या में अकाल कभी नहीं पड़ा ऐसा, लोग दाने दाने को मर रहे हैं। गुरुदेव ने पंचांग खोला, देखिए अवध नरेश, अयोध्या पर शनि की वक्र दृष्टि है। अयोध्या पर शनि की 7.5 होने के कारण पूरा अवध परेशान है। दशरथ ने कहा, महाराज जब तक 7.5 खत्म होगी तब तक तो अयोध्या मर जाएगी, कुछ उपाय बताइए कैसे सही कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, देखिए दशरथ जी, अगर आप शनिदेव से यह बात कहें, शनिदेव को मना लें, तब आपके अयोध्या का जीवन सही हो सकता है। दशरथ जी ने कहा, मैं इंद्र का मित्र हूं, शनि कितना दूर है। आज दशरथ जी ने अपना रथ उड़ाया और सीधे शनि के पास पहुंचे। अच्छा, शनि का चेहरा जो देख लेता है ना, उसके जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। शनि का मुख नहीं दर्शन करना चाहिए, ऐसा हमारे पुराण भी कहते हैं। जब कहीं दर्शन हो तो चरण दर्शन कर लीजिए। आज दशरथ पहुंचे, शनिदेव सोचे कि महाराज दशरथ हमारे पास आ रहे हैं, अगर कहीं मैंने इनको देख लिया तब तो महाराज दशरथ ही नहीं रहेंगे। पीठ पीछे करके खड़ा हो गया। दशरथ ने कहा, शनिदेव मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। शनिदेव ने कहा, प्रभु जान गए आप आ गए, आपका स्वागत है। दशरथ ने कहा, ऐसे स्वागत किया जाता है पीठ पीछे करके? शनिदेव ने कहा, महाराज नहीं बता सकता मैं अपने अवगुण को, काम बताइए, आदेश करिए। शनिदेव, मेरे अयोध्या पर जो तुम्हारी दृष्टि है इसको हटा लो, मेरे अवध के लोग मर रहे हैं। शनि ने कहा, प्रभु मैं अपनी दृष्टि अयोध्या से हटा लूंगा, आप जाइए। अच्छा, किसी के पास एप्लीकेशन लेके जाओ और आपकी तरफ देखे भी ना, तो आपको लगेगा कि हमारा काम करेगा नहीं, हम डर जाते हैं। दशरथ ने कहा, शनिदेव ऐसी बेरुखी बात कर रहे हो, पीठ पीछे करके हमसे कह रहे हो कि जाओ हटा लेंगे दृष्टि। शनिदेव ने कहा, महाराज मुझे देखने के लिए मजबूर मत करिए। दशरथ ने कहा, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। शनिदेव सोचे, अब तो हमें भुगतना ही है, जैसे तैसे दशरथ की तरफ जैसे देखे, दशरथ झुलस गए शनि की दृष्टि से और वही शनि लोक से ही दशरथ गिरने लगे। इतनी खराब दृष्टि है शनि की। महाराज दशरथ गिरते जा रहे हैं,
जटायु जी उड़ रहे थे, देखे कौन गिरा जा रहा है मुकुट टुकुट लगाए राजसी वस्त्र में। आज जटायु जी ने अपने पंख फैला दिए और महाराज दशरथ उन्हीं जटायु जी के ऊपर गिर पड़े और धीरे से ला करके जटायु जी ने नीचे उतारा। देखे महाराज दशरथ, दशरथ को मूर्छा आ गई थी, चेहरा जल गया था, दवा लगाई, सेवा करी, मूर्छा गई दशरथ की। महाराज कहां ऐसे गिरे चले आ रहे थे। दशरथ जी ने कहा, मैं शनि लोक गया था, मुझे क्या पता शनि देख लेगा तो हमारी भी हालत अयोध्या जैसी होगी। जटायु आज आपने हमें अपनी पीठ पर बैठा करके उतारा, आज आपने मुझे जीवन दान दे दिया। जटायु ने कहा, क्या कहें, हमारा धर्म ही यही है। दशरथ जी ने कहा, तुम पक्षी होकर के इतने धर्मात्मा हो, सच कहें तो मानव आज मित्रता के काबिल नहीं है, लेकिन जटायु जी आप जैसा मित्र अगर दुनिया में हो तो दशरथ जैसे राजा को जीवन दान तो मिल जाएगा। जटायु जी, मैं मनुष्य हूं, मेरी गति होगी, लेकिन आपके बुढ़ापे के लिए अगर भगवान ने कहीं मुझे पुत्र दे दिया तो अपना बड़ा पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा। जटायु जी ने कहा, बस इतना बात ध्यान में रखिएगा, भगवान आपकी झोली जरूर भरेगा। राम जी का संकल्प जन्म के पहले दशरथ कर चुके थे। राम जी को यह बात पता थी कि मैं जटायु का दत्तक पुत्र हूं। आज भगवान ने जटायु की पूरी अंत्येष्टि क्रिया पुत्र होने के नाते ही किया। सनातन धर्म उत्थान में हमारा सहयोग करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। सादर जय सियाराम।